बहुत ही सुंदर सुंदर भजनों का आनंद आप लेंगे। समिति के पावन और प्रेरणामय संवाद पर ध्यान चाहेंगे। दशकों से लगभग 6 से 8 पूरी हो चुकी है यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद श्री मालवा अपनापुरा पीढ़ी दर पीढ़ी जागृत हिंदू सांस्कृतिक मंच। हजारों साल गुलामी की पेड़ियों में चढ़े हुए हिंदू अपनी हर एक अदा संस्कृति सुसंस्कार रामचरितमानस भगवत गीता शिव पुराण जिनमें युगों युगों से प्रेरणा के स्रोत बने हमारे वो महापुरुष भगवान राम भगवान श्री कृष्ण। लेकिन गुलामी में हम सब भूल गए। फिर एक ज्योति जली जो सिवनी माल अपनापुरा में हिंदू जागरण दी रक्षक मंच उतना ही प्रेरणामय संवाद। समिति ने सर्वप्रथम यह कहा था कि रामचरितमानस से छोड़ के किसी भी वेद पुराण से कथा हो किंतु एक सार तत्व कथा हो जो से हिंदुओं को इन सोए हुए युवाओं को जो उठकर सिर्फ मोबाइल में व्हाट्सएप चेक करते हैं रात हो उठ के रखना था मात पिता गुरु नाव ही माथा। कथा शिवपुराण से है केवल एक चौपाई का आसरा आपके लिए लिया है हम रामचरितमानस सुनते हैं। एक समय की बात सारे देवता एकत्रित होते हैं और भ्रमित होते हैं होल लग जाती है कि इस जगत में तीनों लोकों में आखिर किसी भी प्रियोजन में सबसे पहले पूजा हो तो किसकी हो। 33 कोटी के देवी देवता ब्रह्मा जी की सरों में जाते हैं क्षीर सागर भी चले जाते हैं सप्तऋषि भी आते हैं लेकिन इसका निदान किसी के पास नहीं होता। सारे देवता मिलकर विचार करते हैं कि क्यों ना उस औगत हानी आदि अनादि शंख भगवान शंकर की शरण में गाया जाए और इस विचार से वो प्रतिफल निकले जो आज समिति ने मांगा है कि कथा में सार होना चाहिए शिक्षा होना चाहिए। तो एक पब्लिक बैठी है तो कुछ कहा समय इस मंच के माध्यम से लेके जाए। सारे देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए कहते हैं भगवान भोलेनाथ बड़ा ही भ्रम फैल चुका है आखिर हम इतने भ्रमित हैं कि आखिर हमें से श्रेष्ठ कौन है किसकी पूजा की जाए। भगवान स्वयं अपने नाम अपने परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं और देवताओं से कहते हैं देवताओं जिसमें स्वयं उनके पुत्र गौरव कार्तिकेय और गणेश जी भी जिनका ये महोत्सव मनाया जा रहा है पुत्र ऐसा कि जिसने अपने माता पिता की चरणों की केवल 7 परिक्रमा करके इन बैठे हुए सभी माता पिताओं का मान बढ़ा दिया जो भी पुत्र ब्रह्मांड को छोड़कर सारे तीर्थों को छोड़कर माँ बाप की पूजा कर लेगा। ये गणेश जी ने सिखाया इन 11 दिवसीय इस मंच की देन है कि ये संवाद अभी तक किसी मंच पे हमने भी नहीं गाया और ऐसा संवाद हमें गाने का सौभाग्य नहीं मिला। We'll be right back.
जगदीश्वर भोलेनाथ कहते हैं वही दे सरताज हो जो पहले करे पृथ्वी की परिक्रमा। भगवान भोलेनाथ के हाथ जोड़ते हैं, क्या कहते हैं? हेलो शब्द पर आपको समर्पित करिए। धन्यवाद। इस इनामी भजन मंडली प्रतियोगिता में हमारे भी डोलरिया से पधारे आदरणीय मुन्ना भैया की राजपूत में समिति की ओर से राजू राय जी से निवेदन करूंगा कि मुन्ना भैया का पुष्पमाला से अभिनंदन करें। डोलरिया से अभी अभी हमारे बीच पधारे राजपूत मिष्ठान केंद्र के संचालक समानी समाज से भी धर्म कार्यों में हमेशा आगे रहने वाले मुन्ना भैया सभी महाराज को प्रणाम करते हुए Thank you.
अपने भारी तोड़ने वाले बहानों से इस बात को स्वीकार करते हैं। भगवान गजानन चिंता में पड़ जाते हैं कि भगवान मेरा तो मूर्छा का महान भी क्या किया जाए। देखिए सारे देवता निकल जाते हैं ब्रह्मांड के भ्रमण के लिए, एकमात्र गजानन चिंतित भूमित शंकर और माता पार्वती का ध्यान करते हैं और अपनी बुद्धि को लगाते हैं और इस अंजाम पर पहुंचते हैं क्या होता है। कहा प्रभु सारे संसार के तीर्थ धाम सारे ब्रह्मांड की कृपा आपके श्री चरणों में है। हे माता गौरी आप मेरी माँ है, आपके चरणों से ही जगत को बनाया है आपने और श्री चरणों में हमके अर्पित फूल करके भगवान गजानंद के झूमर घूमते हुए उनकी परिक्रमा करने लगते हैं क्या होता है। I'm
कि गौरी के ललना में Ah!